15 अगस्त 26 जनवरी। मैं तुसें बार बार एक गल जरूर जनाना, 15 अगस्त और 26 जनवरी च फर्क के है। 15 अगस्त की अस आजाद होए हैं, तो जुले आजाद होंगे अस तो आजादी वाले दिन साड़ा झंडा जरा थलिया उपर चढ़ता, थलिया उपर चढ़ता, क्योंकि आजादी पाई। 26 जनवरी की सानू संविधान मिलिया, कॉन्स्टिट्यूशन आइन, जिसकी उर्दू च आइन भी आखते। अब आजाद है, झंडा उपर गया होगा, वो छड़ा खुलता है। इसी आदे फ्लैग हाइस्टिंग, उसी आदे फ्लैग अनफरलिंग, जरा संविधान च लिखे गए। हाइस्ट होंगे थलिया उपर जाना, अनफरलिंग होंगे अगे उपर है, छड़ा खोलना। उसी ये दो दिन का अलग अलग महत्व है। बाकी 15 अगस्त अस काम मना रहे हैं, इतने कई लोगों शहादा दित्तियां, कई तुंदे च रिश्तेदार होने कई पूरे हिंदुस्तान के फौजी शहादा दित्तियां, कई इन्हें भी जवानों ने शहादा दी। 15 अगस्त का महत्व इतना ज्यादा है कि हर देशवासी की उस फौजी ने जिन्हें शहादत दी उसे नमन करना चाहिए। और आज देखो प्रधानमंत्री लाल किले पर बोला थे, शायद तुझे कई लोगों ने आज खबर नहीं सुनी हुआ है, कलकत्ता च एक अस्पताल जड़ा है वो सारा लुटी उड़े, जेड़े मरीज भी लिठाई उड़े। मतलब एक कोशिश की जा रही है जिन्हें बंगाल चो है इंजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर करने वास्ते विदेशी ताकत जड़ियां ना वो कोशिश करा दी। और कोशिश क्या करा दी कि सारे समाज की बंडिया जावे, पहले धर्म च बंडिया जावे, अगर धर्म च नहीं बंडोंदे जात पात च बंडिया जावे। तो मैं पहले दिनों का तुम्हें आख्या मेरे वास्ते सारी जातां बराबर ने, चाहे मेरे पिछले भी लोग ब्राह्मण आखते, लेकिन मेरे वास्ते सारी जात कर्म करने ब्राह्मण हुंदा, अकर्म करना ब्राह्मण भी कोई नहीं होता कि स्वरूप है। यह समाज छड़ा सारे सनातनी हैं, सनातनी है सारे हिंदू हिंदू आते हैं, तो बाकी अस भारतीय हिंदुस्तानी और मुसलमान भी आते हैं। यह तिरंगा जरा सारे वास्ते है। हूं मैं तुसें एक बड़ी जरूरी गल दसा, अग्नि नहीं है एने पिछे बड़ा बड़ा महत्व है। जिन्हें बंगाल च होया मतलब समाज के कुछ लोगों सरकार पलटी उड़ी, तख्ता पलटी उड़िया। ये कोई बांग्लादेश भी, बांग्लादेश से भी ठीक नहीं होया, बाकी मुल्क बाकी पूरी दुनिया से भी ठीक नहीं होया, हिंदुस्तान से भी ठीक नहीं होया। इन्या गए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सोच समझ रखी है, अग्निवीर की एक स्कीम लिया ताकि अग्निवीर एक एक हिंदुस्तानी के घर एक एक अग्निवीर हो, एक एक अग्निवीर हो कि भगवान नहीं करे कोई इले मौका आई जाए वो अग्निवीर इले देश के खिलाफ ताकते कने मुकाबला करे। 15 लाख फौजी 140 करोड़ कने मुकाबला नहीं कर सकता। अज लोग सू पता आवे कि अग्निवीर के है, अग्निवीर दसेगा तुम अग्निवीर के है, समझाने वाले समझा आना चाहिए। और अग्निवीर वास्ते आरक्षण भी आगे नौकरी है, चार पांच साल नौकरी करेगा 30-40 लाख रुपया उसे दिता जाएगा, फिर नौकरियां जिन्हें हूं 6% आरक्षण है फौजियों से है कि नहीं है, उनके बखरा आरक्षण होना। इस करिए अग्निवीर की जी स्कीम है वो देश च समाज के हित च है। सच कड़ी आख रही है जी, अज की घड़ी होंगी है, अज कोई भी मुआ दुई गल निकलती नहीं है,
मैं आखनी है कि अगस्त महीना का एक बड़ी भावनाएं का एक महीना हा मनिया जाता है। 5 अगस्त की असें अपना 370 सारा हटिया ओदा जश्न मनाया। अगस्त महीना है सारे खेतर च सारिया फसलां लहरा दी होंदिया ने क्योंकि सारे किसान एदे करना है जेड़ा सारा इन्ना प्यारा जेड़ा त्योहार है रक्षा बंधन वह भी ज्यादातर अगस्त के महीने विच आंदा है। साढ़े देवी देवते ने दिन बार एक महीने च आते करिए इस महीने की भी सानू सारे दी बड़ी बड़िया मुबारखा ने। साथियों अस बड़े खुश नसीब हाँ कि साढ़े देश के प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच है विकसित भारत जिहड़ी उन्हें एक मुहिम चलाई दी है पूरे देश चला दी है अज ओदा लाभ सानू सारे दी होवद है। एक बच्चा पैदा होने कोला लिया बुजुर्ग तक क्या वो स्कीमें दे थ्रू क्या सानू एजुकेशन दे थ्रू सानू सारे इस चीज दी बड़ी बड़िया मुबारखा ने। और आहे इस स्वतंत्रता दिवस उपर एक प्रण लिया जाना है कि अपनी आने वाली पीढ़ी दी जेडिया भी साढ़े समाज विच थोड़ा बहुत जेडिया कुरीतियां चला दी ना ओदे कोला दूर रखचा सारे एक इकट्ठे हो जाचा। मैं तुंदे चिन्हा गाऊंगी जय हिंद जय भारत। विकसित भारत का जो सपना असलिए चला रहा वह अस सारे गै मिली जुली है उन्दे कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए चलचै जिहड़ी है वह कोई नारा दिंदे न कोई गल आखदे न उसी अस संपूर्ण करचै तां गै आने वाले समय 2047 तक असेंगी 100 साल आजाद होए दे जाना और असी विकसित भारत का जिहड़ा सपना वह पूरा कर सकना। विश्व च नंबर 1 जिहड़ा देश है वह असें बनाना ताकि असें सारे मिलिए सारे गै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए सुंदे कन्नै चलचै। अज असें इत्थै इस स्वतंत्रता दिवस पर इयै प्रण लिए जाना मैं एक बार फिर तुसेंगी अज दे दिन पर सारे गी जिन्ने अस सीनियर लोग हैं इंदी तरफा हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।